उत्तर प्रदेश के बलिया से आया है पुलिस का बेरहम तस्वीर। चाचा और भतीजे में बीच बंटवारे को लेकर हुआ विवाद। पहुंची पुलिस ने युवक को थाने में जमकर लाठियों से पीटा। घायल युवक को बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसपी ने सीओसीटी को दिए जांच के आदेश। कहा, दोषी पाए जाने पर होगी पुलिस कर्मियों में खिलाफ कठोर कार्रवाई। जिला अस्पताल में इलाज करा रहा यह युवक सुनील यादव है, जो पुलिसिया तांडव का शिकार हुआ है। पीड़ित की माने तो उनके चाचा के साथ बंटवारे के बाद अपने जमीन में निर्माण करा रहा था कि उनके चाचा ने पुलिस को बुलाया। पुलिस आई और उसे शिवपुर दियर पुलिस चौकी ले गई और वहां दो पुलिस कर्मियों ने जमकर लाठी से पुट और घायल होकर बेहोश हो गया। तब उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस की माने तो दो पट्टीदारों में निर्माण को लेकर विवाद हुआ था, जहां पुलिस गई और उसे चौकी ले गई और एक पक्ष से एक युवक को मारने पीटने का मामला संज्ञान में आया है और पूरे मामले में एसपी ने सीओ को जांच में आदेश दे दिए और दोषी पाए जाने पर पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। बलिया उत्तर प्रदेश, राणा प्रताप सिंह की ये रिपोर्ट। सुनील कुमार यादव, मेरे बाटा बाबू के साथ जमीन का मैटर चल रहा है, चिपुर नंबर 82। और दरोगा जी आए और द्वार पर भी मारे और हमको मोटरसाइकिल पर बैठा कर कुछ चौकी पर लेके चले। उस चौकी पर गए एक तुलसी सिपाही और एक सिपाही और दोनों सिपाही ने मेरे बाँह के पकड़ लिए और दरोगा जी ने बहुत मारी। मेरे बाटा बाबू सामने बैठे थे, बड़का बाजी कुछ नहीं बोल रहे थे और सिपाही जी ने बोला मेरे बड़का बाजी की करे मार जो तुम हमको 30,000 रुपया दिए थे मारने के लिए, अब ठीक है ना आप सर। हम गिर गए और दरोगा जी ने लाते लाते मारे और उसके बाद कोतवाली में लेके आए 151 का चलान कर दिए। कहाँ कहाँ चोटें लगी हैं आपको? सर यहाँ चुपर पर और हल्का हल्का नाक पर मारा है सर, और चूता तो मारे सर और हम सब गिर गए और लाते लाते बस हम इतना लगा कि लाते लाते मारे और उसके बाद मैं बेहोश हो गए और मेरा कुछ नहीं पता है। चक्रपाणी मिश्रा है। तो कुछ बाद में पता चला आपको कि क्यों मारे हैं, कैसे मारे हैं, कौन मारा है? क्या दोस्त? और बड़का बाजी ने फोन करके बुलाया सर पहले और दुर्गा जी के और दुर्गा जी द्वार पर भी मारे और हमको धोप लेके चले। अभी सर बहुत दिक्कत है, दर्द है और भूख नहीं रह रहा है। सिंहपुर डियर का जिसमें एक व्यक्ति को पीटा गया है वो अस्पताल में भर्ती है, जिला अस्पताल में, क्या कहना चाहेंगे सर? इनका आरोप है कि चौकी इंचार्ज चक्रपाणी त्रिपाठी जी ने हमको बेरहमी से पिटाई की। परसों रात में शिवपुर डियर से एक सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ पर कोई रात्रि में अवैध निर्माण करा रहा है। इस पर चौकी को निर्देशित किया गया वहाँ मौके पर जाकर और देखने क्या मामला है। थाना कोतवाली की चौकी है शिवपुर डियर जो गंगा पार है, तो चौकी इंचार्ज अपने हमराइयों के साथ वहाँ पर गए और वहाँ पर अवैध निर्माण होता हुआ पाया गया और ये भी पाया गया कि एक पक्ष जो है करा रहा है, दूसरा पक्ष जो है उसको रोक रहा था और दोनों में विवाद हो रहा था। तो इस पर दोनों पक्षों को वो थाने में ले आए और यहाँ पर लाकर उसका 151 किया गया। जहाँ तक मारपीट करने का आरोप है इस संबंध में अभी सूचना हमको प्राप्त हुई है तो इसको सीओसीटी साहब को जांच के लिए पुलिस अधीक्षक बलिया महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि जांच कर लें और यदि इनके द्वारा मारपीट की गई है तो संबंधित पुलिसकर्मी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।